हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने अपने परिवार के साथ बिल्कुल स्वस्थ और सेफ होंगे। सब लोग बहुत परेशान हैं हर जगह, चाहे वो फैमिलीज में हो, फ्रेंड सर्किल में हो, आस पड़ोस जहाँ सुनो हर लोग एकदम परेशान है। और अभी तो मेरे फैमिली में भी मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी सब लोग बीमार हैं। अभी ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, वैसा टेंशन का मौका नहीं है, लेकिन हाँ लोग भी अस्वस्थ हैं, इसलिए भी थोड़ा मन नहीं लग रहा, बहुत घबरा रहा है मन। और सबसे बुरा इस बात का लगता है ना कि इस समय होता है कि सच में हम लोग अभी कितने दूर हैं, पास के पास होते हैं, उनके पास रहते हैं, उनको देखते हैं। वैसे कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, माँ के पास भी मेरे भाई लोग हैं, मेरी भाभियाँ हैं जो बहुत केयर करती है लोग माँ की, मम्मी की। और मेरे सास ससुर जी लोग अभी जमशेदपुर में हैं ननद के यहाँ, क्योंकि फरवरी में शादी थी ननद की लड़की की, हम लोग भी गए थे तो उस समय वो लोग आए थे, तो रुक गए थे कुछ दिन रुक के जाएंगे पटना, लेकिन उसके बाद तो ये बीमारी हो गई तो लोग वहीं रुक गए हैं। अभी थोड़े से अस्वस्थ हैं लोग, तो थोड़ा बुरा फील हो रहा है कि काश के पास में रहते तो हम लोग भी जाते हैं। इसकी वजह से ना एकदम मूड खराब है, खराब नहीं बोलेंगे, थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ा भी बीमारी का सुन लो किसी का भी, और फैमिली में सुन लो तो और भी ज़्यादा। और मेरे घर में ना किसी की भी तबीयत खराब होती है ना तो जल्दी ना मुझे कोई बताता ही नहीं है, सबको पता है कि ये घबरा जाती है बहुत जल्दी, तो मुझे कोई बताता ही नहीं है किसी की भी तबीयत खराब हो तो। और सच में 2 दिन से मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, ये सब सोच सोच के घबरा रहा है मन। और इसलिए वीडियो भी बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, नहीं मम्मी आप वीडियो बनाओ, इस वजह से लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मम्मी का थोड़ा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होगा, थोड़ा मतलब सोचना मैं कम करूँगी, इस वजह से वो लोग भी बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाओ मम्मी। मैं भी उन लोग को देख कर लगता है कि नहीं ठीक है, मैं इतना टेंशन क्यों कर रही हूँ, मेरी तबीयत अगर थोड़ी सी खराब होगी फिर लोग इतने परेशान हो जाएंगे। मैं भी उन लोग के सामने खुश होने का कोशिश करती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं क्या कर सकते हैं, अंदर से कुछ परेशानी है, घबराहट भी है, ये घबराना नहीं है, बस भगवान से प्रार्थना करना है कि सब लोग अच्छे रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। आप सब भी अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, घर में रहो जितना तक हो सके, क्या कर सकते हैं, हर जगह परेशानी तो है ही, लेकिन बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम लोग सब उनके हाथ में हैं। तो चलिए अब जाकर मैं नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता में मैं रोटी पुलाव बनाऊँगी। रोटी मैं रात में कुछ ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं सुबह उतना नाश्ता नहीं बना पाऊँगी, मन नहीं होगा, तो मैं रोटी पुलाव बनाऊँगी। इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेना। तो चलिए नाश्ता पानी बनाते हैं। वैसे तो सुबह का सारा काम हो चुका है मेरा, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, यहीं बाहर खड़ी रहती हूँ, कभी कभी तो अच्छा लगता है, यहाँ देखो तो वह पानी पी रहा है, यहाँ ना मैं इसमें पानी रखती हूँ पंछियों के लिए, देखो आके पानी पी रहा था, वहाँ पर मैं पानी रखती हूँ लगती हूँ। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता, अभी पूजा करी हूँ तो देखो अभी दिया भी जल ही रहा है अभी। तो यहाँ पर देखिए यही रोटी है, रोटियाँ हैं सारी, तो इसको अभी मैं कट करूँगी, तो एक रोटी उठाकर मैं उसको रोल रोल करूँगी और उसके बाद किनारी से उसको कट करते जाऊँगी, जिससे कि एकदम नूडल्स के जैसा लच्छा जैसा ये बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको रोल कर रही हूँ और उसके बाद मैं किनारी से कैसे कट करती हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसको कट करते जाएंगे और उसके बाद एकदम लच्छा के जैसा ये बन जाएगा।
मैंने तेल डाल दिया है और अब बना रही हूँ। इसके लिए मैंने टमाटर प्याज और ये मटर है वो भी ली हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ, फटाफट से बनाती हूँ, लेट थोड़ा है। तो यहाँ मैं आप लोग से बातें भी कर रही हूँ, बना भी रही हूँ। ये मूंगफली है तो पहले मैं यहाँ मूंगफली भून रही हूँ। ये मैं सूखा भून कर रखी हुई हूँ, लेकिन फिर भी अभी तेल में उसको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। और बस अभी यहाँ देखिए मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है। उसके बाद देखिए हरी मिर्च दिखा रही हूँ, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता ये सब डालूँगी, प्याज, टमाटर, मटर सब डाल करके एकदम बढ़िया, जैसे पोहा वगैरह बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूंगफली, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च सब डाला हुआ है और यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया। उसके बाद हरी मटर, फ्रोज़न मटर है, सबको डाल के अच्छे से भून लेंगे जैसे हम लोग पोहा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और कड़ी पत्ता मैं बाद में डालती हूँ, टमाटर भी डाल दी थी यहाँ पर, थोड़े मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डाली थी। अब बस ये देखिए एकदम लच्छे के जैसा, जैसे मैं रोटी कट करके रखी थी वो इसको इसमें मिला देंगे और बस इसको अच्छे तरह से पूरे मसाले में अच्छे तरीके इस तरीके से देखिए मिला लेंगे। तो ये बन के एकदम तैयार है रोटी पुलाव। और यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट लगा दिया है, ये देखिए। तो चलिए अभी मैं आप लोग को इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये कितना अच्छा, कितना और टेस्टी दिख रहा है ये देखिए। आप चाहे तो इसके ऊपर से सेव डाल के खा सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया यम्मी बन के तैयार हुआ है। आपके बच्चे अगर रोटी खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरीके से नाश्ता बनाकर आप उनको खिलाएं, बहुत ही शौक से खाएंगे वो लोग। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने बेडरूम में। आज मैं इसकी चादरें, बेडशीट, बेड कवर सब चेंज कर रही हूँ, पिलो कवर सब। तो अभी मैं यहाँ पर चादर बिछा रही हूँ इस बेड पर। सुबह मैं सारे चादर वगैरह सब हटा दी थी इसका, निकाल के वो चादर धो दी हूँ। रूम को भी मैंने थोड़ा सा डस्टिंग कर लिया था। और उसके बाद चादर बिछाने के बाद मैं पिलो कवर भी लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए पिलो कवर लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर बिछाऊंगी ये जो बेड कवर है। मैं बेडशीट और बेड कवर दोनों बिछाती हूँ, जिससे क्या होता है, बेडशीट जो होता है आप रात में जब सोने आओ तो एकदम क्लीन और साफ़ दिखता है सोने में। तो मैं हमेशा से, मैं दो चादर हमेशा से बिछाती हूँ, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए बेड अच्छे से लगा लिया है मैंने, ये देखिए एकदम साफ़। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बेड कवर मैंने अभी डाला है और नीचे देखिए बेडशीट है। तो रात में हम लोग सोने के पहले बेड कवर हटा देते हैं और नीचे वाले चादर पे हम लोग सोते हैं। तो ये देखिए कितनी तेज़ धूप है, दोनों साइड में हमारी विंडो है, इस साइड में बड़ी वाली खिड़की है और बेड के साइड में छोटी वाली। तो बेड चादर वगैरह सारा चेंज करती हूँ मैं आज, और जो निकाली हूँ वो धोने डाली हूँ, वो धुल जाएगा तो फिर उसको फिर सूखने के लिए डाल देंगे। धूप तो बहुत तेज होगा, अभी कितना 12 बज रहा है सुबह। मैं इस रूम को अच्छे से सब मतलब झाड़ झूड़ के ऐसे ही छोड़ दी थी थोड़ी देर, एक दो घंटे की ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बाद में चादर वगैरह बिछाऊंगी। तो अभी मैं खाना बना के आई तो सोची कि चलो बिछा देती हूँ। 12-1 बजे के बाद ही इस टेरेस से ना पूरी अच्छे से धूप आती है। तो अभी 12 से ज्यादा हो रहा है, कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है अभी, मतलब 1:30 हो रहा है। देखो धूप कितनी तेज है। तो अभी फटाफट से चादरें सब जो हो गई हैं उसको भी डाल दूंगी अभी धूप में, तो फटाफट से सूख जाएगा वो। और एक बार कपड़ा पहले भी धुल चुके हैं, जो डेली यूज का कपड़ा सब था, कपड़े धुल गए, उसके बाद में चादर वगैरह डाली हूँ। तो ये सब हो गया है, अब खाना पीना खाएंगे। खाना आज बहुत ही सिंपल बना है, गोभी का सूखा सब्जी बनाई थी और गर्मी बहुत हो रखी है। और आज मैंने ना बाल धोया था, मतलब फटाफट से नहा ली, और अभी भी बाल उतने अच्छे से सूखे नहीं है, थोड़े थोड़े गीले हैं, तो कभी मौका मिलता है तो खोल देती हूँ। तभी मैं खोली हुई थी कि थोड़ा सूख जाए थोड़ा, नहीं तो पसीने से भी मेरे बाल एकदम गीले हो जाते, एकदम इतना गीला हो जाता है ना कि लगता है कि जैसे एकदम बाल धुले पैर से।
अब आप लोग को फैन की आवाज भी बहुत आ रही होगी, तो प्लीज इग्नोर करना, गर्मी बहुत है। फैन बंद करके ना नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, गर्मी से हालत खराब हो जाती है। तो चलिए हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ना खाना पीना हो गया है हम लोग का, तो सोची कि थोड़ी देर लेट लेती हूँ, आराम करने का मन हो रहा था थोड़ी देर। और खाना पीना का तो वही है, अभी भी मुझे प्रॉब्लम बहुत हो रही है खाने पीने में, मतलब चबाने में बहुत दिक्कत हो रही है अभी भी, क्योंकि अभी भी देखो स्वेलिंग है पूरा, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को खुद ही पता चल रहा होगा ये सब। यहाँ पर ना दर्द भी है थोड़ा, लेकिन हाँ थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो जाएगा, 3-4 दिन में ना अपने आप ये चला जाएगा, कोई मतलब दवा वगैरह मैं खाती ही नहीं हूँ इसके लिए। क्या हो गया? दवा वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा। और शाम का भी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, सोची पहले थोड़ा देर सो लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद उठूंगी तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो अभी शाम हो चुकी है और मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय को भी सिम करके कढ़ाऊंगी। कपड़ों को लाकर अभी मैं यही रख दी हूँ सारे कपड़ों को लाकर, क्योंकि अभी मैं चाय चढ़ाई हुई हूँ, तो चाय पीने के बाद फिर इन सबको मैं समेटूंगी। क्यों भाग रही है? मैच मतलब किसका मैच है? इसका ना आईपीएल का लड़का दीवाना है, मतलब क्रिकेट का दीवाना है लड़का। कल बोला मम्मी कोई भी सीरियल मत देखिएगा आप, कल चेन्नई का मैच है, नहीं रखने दोगे? कोई भी सीरियल तो कपड़ा समेटोगे? अभी कपड़े सारे समेट दोगे? मेरा अच्छा बच्चा करता है, बहुत काम करता है। चलो चलो चाय देखते हैं, चाय काला हो गया होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी कल तो आने दो, मम्मी कोई सीरियल मत देखिएगा, मेरा मैच है। तो आज इतना ही, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।